प्रशांत कर एक फ्रॉम कोलकाता। तो आज मैं जो वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, जैसे कि आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पे, ये एक ब्लाउज का डिज़ाइन है और ये डिज़ाइन तो मैं दिखाऊंगा जैसे कि किस तरीके से इसका पैटर्न कटिंग करे, और इसका मैं कुछ नॉलेज टिप्स मैं आप लोगों को दूंगा, ताकि इस तरह का कोई भी ब्लाउज अगर आपके सामने आए और आप आसानी से कर पाए, ठीक है। और इसका मैं स्टिचिंग नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस लोग ये वीडियो हमारा देख रहा है, तो हमारा इतना वीडियो यानी कि बेसिक कोर्स देखकर आप लोग सीख गए, तो इसलिए हमें स्टिचिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और सिर्फ मैं इसका ड्राफ्टिंग दिखाऊंगा, साथ ही साथ इसका इस तरह का ब्लाउज का नॉलेज मैं दूंगा, ठीक है। और उससे पहले मैं बता दूँ, जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड, तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि नीचे देख ही रहे हैं आप, रेड वाला बटन है सब्सक्राइब नाउ लिखा हुआ है, उस जगह में क्लिक कर सकती है। और नहीं तो हमारा जो राइट में लिखा है सब्सक्राइब नाउ, ये बटन क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और लेफ्ट में नीचे में जो रेड वाला बटन है, उसे क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और जो लोग देखते हैं हमारा चैनल को, उन लोगों को थैंक्स करके मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग इसी तरह हमारा वीडियो देखते रहिए फ्रेंड। तो चलिए मैं दिखाता हूँ इस ब्लाउज का, जैसे कि इस तरह का ब्लाउज बहुत होते हैं मार्केट में। तो मैं क्या कर रहा हूँ फ्रेंड, जैसे कि इसका जो ड्राफ्टिंग करता हो, तो ड्राफ्टिंग बहुत ही इजी है, ठीक है। मैं दिखा रहा हूँ, चलिए मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड आप देख ही रहे हैं, जैसे कि ये जो डिज़ाइन इस तरीके का डिज़ाइन, जैसे कि रिक्वेस्ट किया है हमें, तो इसलिए मैं वो दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो क्या है, इस तरह का ब्लाउज़ मार्केट में बहुत आता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, और ये जैसे कि इस जगह में खुला रखा है, आप लोग इस जगह को ऐसे क्लोज भी कर सकते हैं, यानी कि इसका हम हुक लगा सकते हैं इस जगह में, ये खुला रखा है, हुक लगा सकते हैं। और मेज़रमेंट क्या क्या चाहिए, इस जगह से इस जगह का मेज़रमेंट आपको लेना है, ठीक है। और अगर आप चाहें, ये जैसे कि हमारा नेक इधर है, और यह मैंने साइड में इतना दूर नेक रखा है, अगर आप चाहें तो इस जगह से भी आप उठा सकते हैं इसको, ठीक है, इस जगह से भी उठा सकते हैं इसको। मगर इस डिज़ाइन में ऐसा तो नहीं है, मगर मैं आप लोगों को एक दिखाऊंगा, मगर आप लोगों को इतना नॉलेज का जो टिप्स है मैं वो मैं दे दूंगा, ताकि इस तरह का कोई भी ब्लाउज आपके सामने आए तो आप कर सकते हो आप लोग, ठीक है। ब्लाउज़ की आप कमीज भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसे दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है, सिर्फ इस जगह के लिए मैं ये वीडियो दिखा रहा हूँ आपको। और जैसे कि इसका फॉर्मूला एक होता है फ्रेंड, ठीक है, आप अगर इसका मेज़रमेंट ले लो तो ठीक ठाक है, इस जगह का भी एक मेज़रमेंट होता है वो ठीक ठाक है, नहीं तो आप मेज़रमेंट ले लेंगे, यहाँ का सीधा मेज़रमेंट ले लेंगे तब भी हो जाएगा, और इधर का यहाँ से यहाँ का मेज़रमेंट ले लेंगे तब भी हो जाएगा, नहीं तो 1/3 आप नेक करना है आपको, ठीक है। और इस जगह को कोई ऐसे है, और ये रिमेनिंग है, ठीक है। और फ्रेंड और एक बात बता दूँ, जैसे कि ब्लाउज़ का दो तरह का फॉर्मूला पैटर्न होता है, वो क्या है, वो होता है फ्रेंड एक क्लोज, यानी कि डीप नेक जब हम बनाते हैं, किसी भी शोल्डर का मेज़रमेंट हम नहीं लेते, मगर हम 5 लेते हैं 32 साइज में, कभी कभी 5.5 लेता है, मगर वो क्या है, वो शोल्डर का मेज़रमेंट से नहीं होता है, वो एक अलग तरीक़े से होता है। उसी तरह ये सब आपको करना है, ये जब करना है आपको एक हाई नेक का फॉर्मूला रखना है, यानी कि हाई नेक और एयर गला, जिसका शोल्डर यानी कि हाफ अप शोल्डर प्लस हाफ इंच, इसी तरह पैटर्न लेकर वो फॉर्मूला वो पैटर्न से लेकर आपको बनाना है। डीप नेक से ये नहीं होगा फ्रेंड, ठीक है। आपको अगर डीप नेक से कन्वर्ट करके अगर हाई नेक लेना है तो आप ले सकती है, सिर्फ शोल्डर का मेज़रमेंट चाहिए आपको, ठीक है। और अदरवाइज ये जो देख ही रहे हैं आप, मैं ये कन्वर्ट करके नहीं दिखाऊंगा, मैं डायरेक्ट हमारा जो हाई नेक वाला जो फॉर्मूला पैटर्न है उसे लेकर मैं दिखाऊंगा। और जैसे कि चलिए, अगर कुछ लोगों को समझ में ना आए
तो मैं दोनों तरीका दिखा दूँ आपको, ठीक है। तो फ्रेंड ये देखिए, ये हमारा पास एक पैटर्न है जो डीप नेक वाला पैटर्न है, ठीक है। डीप नेक वाला मतलब है इसका जो शोल्डर है, मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये अगर मैंने इसे साइड में लगाया तो ये देखिए, ये सारे पास यानी कि 5.5 से थोड़ा सा कम है ये, ठीक है, थोड़ा सा कम है। तो इसे अगर आप चाहे तो इस तरीका से आप इस तरह का ब्लाउज आप बनाए, ये फ्रेंड नहीं होगा। तो आपको इसे करने के लिए क्या करना है, जैसे कि जिसका मेजरमेंट लेकर आप बनाएंगे इसे, उसका शोल्डर कितना है वो लेना है। ये ब्लाउज भी उसका शोल्डर हम लेते हैं, जैसे कि हाफ अप शोल्डर -2 कर देते हैं, कभी कभी -1 करते हैं, -3 करते हैं, ये इस टाइप का डीप नेक वाला पैटर्न है। मगर ये इस तरह का करने के लिए उसका शोल्डर अगर 14 इंच हो तो 7.5 लेना है, ठीक है फ्रेंड। ये देखिए कितना बड़ा हो गया, यहाँ का यहाँ से शोल्डर आपको लेना ही लेना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से लेना ही लेना है, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, शोल्डर का पता चल गया हमें, और जैसे कि आपको बोला इस जगह का मेजरमेंट, आप ये कितना दूर आप इसे रखेंगे, आप यानी कि आप नेक से 1 इंच बाहर आप रख सकते हैं, इस जगह से आप नेक की तरह रख सकते हैं, यानी कि नेक जैसे है वैसे हम रखना चाहते हैं अगर वो रख सकते हैं, तो उसके लिए इसका मेजरमेंट है, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट अगर ले तो नेक अटा रहेगा, और यहाँ से थोड़ा सा छोड़ के मेजरमेंट लेंगे तो ये थोड़ा सा दूर जाएगा, और उसके बाद ऐसे शेप आएगा, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसका तीसरा है 1/3 अप नेक। 1/3 अप नेक करने के बाद, जैसे कि आप जानते हैं इस जगह को अगर हम करें तो वो क्या है, मैं थोड़ा सा समझा दूं फ्रेंड। जैसे कि ये हमारा गले है इस जगह में, और 1/3 अप नेक अगर मैं करूँ तो मेजरमेंट ऐसा आएगा। तो इसके बाद हम ऐसा अगर आए तो हम इसे इतना दूर ले जाएंगे, पॉइंट हम दूर ले जाएंगे, यानी कि जितना हमें 1/3 अप नेक उसका हाफ करना पड़ता है, क्योंकि ये बैक वाला साइड है। और उसके बाद हम इसे ऐड करेंगे कुछ, अगर 1 इंच हम दूर रखे तो 1 इंच हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम लोग ये करते हैं, और बैक के लिए